गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण बी एन मेरे स्कूल से आज फिफ्थ क्लास सेवन्थ का साइंस लेके आए हैं पढ़ाने के लिए। हम लोग पिछले लेक्चर में लेसन फर्स्ट समाप्त कर चुके थे, आज सेकेंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण, यानी जीव जीव या जानवर या इंसान अपना पोषण कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। The sum total of the process starting from taking the food up to intake is called nutrition. भोजन करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। Animals are not able to prepare their food themselves. जानवर या इंसान जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। They feed another living organism. वो दूसरे जीवित प्राणियों पर निर्भर करते हैं। Animals are दे आर क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग ग्रुप्स, इनको कई भागों में बांटा गया है। हरिबोरस, दोज एनिमल्स हु टोटली नीड फीड आर प्लांट्स एंड इट प्रोडक्ट्स, ये जानवर जो पूरी तरह से पौधे को खाते हैं या पौधे से बने पदार्थ को खाते हैं उनको हरिबोरस कहते हैं, जैसे गोट काउ रैबिट ईटीसी, जैसे गाय भैंस खरगोश बकरी ये सब पौधे से बनी चीजों खाते हैं या तो पौधे को खाते हैं। कार्निवोरस, दोज एनिमल्स हु फीड ऑन अनदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, ये जीव जो दूसरे जीवों को खाते हैं या उनके मांस को खाते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं, जैसे लायन टाइगर्स। ओमनिवोरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन ऑल टाइप ऑफ फूड एग्जाम्पल्स, ये जानवर जो हर तरह के भोजन करते हैं उनको ओमनिवोरस कहते हैं, जैसे ह्यूमंस बियर क्रो, जैसे कि इंसान मांस भी खाता है और पौधे से बनी चीज भी खाता है, भालू हुआ कौवा हुआ। अब है फ्रुगिवोरस, एनिमल्स दैट ईट फ्रूट एंड आर कॉल्ड फ्रुगिवोरस, ये जीव जो केवल फल को खाते हैं केवल फल, ऐसे जानवर को फ्रुगिवोरस बोलते हैं, जैसे मंकी पैरोट। सैंगिवोरस, एनिमल्स हुज फीड ऑन ब्लड ऑफ अनदर एनिमल्स आर कॉल्ड सैंगिवोरस, वे जीव जो दूसरे जानवरों के ब्लड के को पी के जिंदा रहते हैं ऐसे जानवरों को सैंगिवोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लीच, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जैसे कि जोंक हुआ मच्छर हुए अजू हुए। इंसेक्ट बोरस, एनिमल दैट फीड ऑन इंसेक्ट, ये जीव जो केवल इंसेक्ट को खाते हैं, एग्जाम्पल में कॉमन बैट चमगादड़। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, भोजन लेने के विभिन्न तरीके। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग फूड, इन सभी को भोजन करने के जो तरीका होता है अलग होता है, इनके संरचना के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बीच एंड बटरफ्लाई सक देयर नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ सकिंग ट्यूब, जैसे कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों के रस को अपने सूंड के द्वारा क्या करती हैं, चूसती हैं। हमिंग बर्ड्स यूजिंग देयर लॉन्ग बीक्स टू स्टॉप नेक्टर, जो हमिंग बर्ड है मरमर पक्षी वो अपने भोजन लॉन्ग बीक से भोजन सुपरेट करके खाती है। मॉस्किटोज हैव ए नीडल लाइक माउथ पार्ट्स कॉल्ड प्रोबोसिस टू सक ब्लड, मच्छर के पास एक सूंड होता है नीडल लाइक पाइप की तरह से एक सूंड होता है जो माउथ से ब्लड को क्या करता है, चूसता है। फ्रॉग्स यूज देयर लॉन्ग एंड स्टिक लॉन्ग टू यूज देयर प्रे, मेढक अपनी लंबी जीभ से अपने शिकार को कैच कर लेता है। स्नेक्स स्वालो देयर प्रे होल्स, सांप जो अपने बिल से अपने शिकार को अटैक कर लेता है, खा लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक पैरामीशियम फिल्टर टीनी फूड्स पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम, पानी में रहने वाले जीव जैसे कि पैरामीशियम जो है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब हम लोग अगला टॉपिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तरीके,
अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।